अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्यू एस एम्प्लॉज टी वी में खुश आमदी। दोस्तों, विफाकी और सूबाई तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए बजट 2024-25 के हवाले से एक बड़ी ही अहम अपडेट है, जिसकी तफसील आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस मैसेज को हर सरकारी मुलाजिम ने शेयर करना है, तनख्वाहों में इजाफे के जो ख्वाहिशमंद है उनके लिए। और आपको पता है कि जो भी लेटेस्ट और कंफर्म जो है न्यूज़ होती है वो इसी फेसबुक पेज रहमान अली बाजवा वॉइस ऑफ एम्प्लॉय से हम शेयर करते हैं आपके साथ। आज भी इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, हमारे नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी अंजुम गुज्जर साहब उनकी टीम के साथ इधर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाऊं अगर तो। ये इधर मौजूद हैं साथी, तमाम मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि इस पोस्ट को शेयर भी करें ताकि वो साथी जो इस इंतज़ार में हैं। यार ये तो मेरा यहाँ से जो साथी इस इंतज़ार में हैं कि कितने परसेंट इस बजट के अंदर तनख्वाहों में इजाफा होने जा रहा है मुलाजमीन की, तो IMF का जो प्रेशर है और सारे मामलात हैं, आप लोग मिराज साहब को कॉल ना करें कि हर मुलाजिम इस चीज़ से बखूबी आगाह है। और इस हवाले से आज जो 29 तारीख की कॉल दी हुई है तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए, ये मैसेज है कि घरों में बैठ के मुलाजमीन को रिलीफ नहीं मिलना है। मैं बड़ा वाजे तौर के ऊपर बता रहा हूँ, आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हम तकरीबन तमाम यूनियन एसोसिएशन ख्वा वफाक की हों या सूबों की हों, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम ख्याल हैं उनको इकट्ठा कर चुके हैं। जो साथी नहीं हैं, तमाम मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है कि अपनी अपनी यूनियन एसोसिएशन को अगर रहमान बाजवा की शक्ल पसंद नहीं है किसी को तो कोई मसला नहीं है, फेडरल सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है वो बजट पेश होना है। जो 6 और 7 तारीख का जो है हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन थी कि बजट पेश होना है, आज जो इतलात मेरे पास पहुंची हैं कि गालबन 10 जून के हवाले से जो समरी जो है वहां पे भेजी गई है, लेट इट बी कंफर्म। मगर ये जहन में रखें कि अगर 7 तारीख को होता है तो 6 और 7 तारीख है, और 10 का भी होता है तो इसके हवाले से तमाम हम साथी कायदीन मशावरत के साथ जो है लाए अमल तय करेंगे। मगर बजट के अंदर जितनी बड़ी तादाद आपकी होगी उतना ही रिलीफ हम ले सकेंगे, नहीं तो ये जहन में रखें कि जो पाकिस्तान की तारीख में 5 से 10% का जो इजाफा है वो जहन में रखें। हो सकता है वो भी नहीं, जो पेंशन इस्लाहात हैं वो गवर्नमेंट करने के लिए जा रही है, बड़ा वाजे इसके हवाले से किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर चाहते हैं तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन अपनी रेगुलराइजेशन तो एजेंडे में है, जो वन टाइम डिस्पेंसेशन खास तौर पे क्लास 4 के मुलाजमीन को जो 2 स्केल दिए गए थे, हुकूमत ने उसके अंदर चलाकी की मुलाजमीन को मायूस करने के लिए, अगर वो एज पर स्केल जो है अलाउंसेस लेने हैं तो तमाम साथियों को बाहर निकलना पड़ेगा गर्मी के 2 दिन।